ये जो केमिकल है मेरे पास, नाम क्या है इसका, दिखाई दे रहा है इसका कलर? ब्लू। क्या है? ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर कौन सा कंपाउंड होता है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉपर सल्फेट का कलर, कलर कैसा है? ब्लूइश, डीप ब्लू है ना कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या है पता है? CuSO4 डॉट 5H2। CuSO4 डॉट 5H2। अभी अगर हम लोग इसको हीट करेंगे क्या होगा? इसका कलर क्या है? ब्लू। इसको हीट करने से क्या हो जाएगा? व्हाइट। व्हाइट होगा ओनली CuSO4। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एवेपोरेट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्नर, ठीक है। ठीक है, इसको अभी क्या करने जा रहा है? हीट। जूम करो इसको, देखो। जैसे हम लोग हीट करेंगे कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है इवेपोरेट होता जाएगा। देखो एक साउंड आ रहा है, किसका साउंड? वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है। इस पे ग्लास पे देखो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो रहा है, ठीक है। जूम करके देखो, थोड़ा जलने की पुनी आ रहा है। देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ग्लास, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके यहाँ पे देखो पानी जमा हो रहा है। प्रताशा इधर देखो, इधर देखो, कोई सुसाइड नहीं कर रहा है, इधर देखो करने दो सुसाइड। कलर कैसा हो रहा है? चेंज हो गया, और चेंज होगा। देखो अगर ये जो व्हाइट कलर चेंज होगा, टेस्ट करा नहीं होगा, क्योंकि इथानॉल है ना, ऑलमोस्ट प्योर फ्यूल है इथानॉल। कलर जो चेंज हुआ, इस पे अगर हम लोग थोड़ा और पानी देंगे तो ये बैक करके ब्लू कलर आएगा, वो भी देखेंगे, क्योंकि H2 वापस आ जाएगा इसमें। क्योंकि H2 वापस आ जाएगा इसमें। यस, नहीं अनसैचुरेटेड है। कलर देखो चेंज हो गया कलर। यस यस यस। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे कलर क्या है इसका? व्हाइट। व्हाइट, व्हाइटिश कलर। अभी इस पर हम लोग क्या देंगे? वाटर, दो तीन ड्रॉप करके, देखना कैसे इसका कलर जो है। ड्रॉपर से दूंगा, देखो एक एक ड्रॉप करके दे रहा, ठीक है। देखो कलर फिर से वापस आ रहा है इसका, इतना जल्दी, इतना जल्दी साथ साथ आएगा, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। कलर वापस आ गया। हाँ सर। क्या हो गया इसका कलर? ब्लू। ब्लू कलर। तो एनहाइड्रस से फिर से मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 5.5H2 वापस लाया, वाटर ऐड करके, सिंपल, ठीक है। जस्ट बाय सिंपल हीटिंग हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को हटा सकते हैं, जो एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में था CuSO4.5H2। एक्चुअली वो वेट नहीं था, ड्राई था, ड्राई क्रिस्टल, बट वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, तो इसलिए वो ब्लू कलर दिखा रहा था। जैसे ही हीट किया कलर चेंज हो गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हट गया वहाँ से। समझ में आ रहा है?